नो सुट नागो को ध्यान जात शेष नाग को ध्यान जात ऐरना को ध्यान जात बैरना को ध्यान जात माता जिया को ध्यान जात धर्मी कोल को ध्यान जात उर्द कोल को ध्यान जात सत कोल को ध्यान जात दो डिग्री नाग को ध्यान जात से मुकिम को। नमस्कार मेरे उत्तराखंडी भाई और बहनों, मैं सुरेश भंडारी अपने दोस्त मिस्टर संजय सिंह और कैमरा पर्सन मिस्टर राकेश सिंह के साथ आज हम आए हैं यहाँ कोटद्वार और आपको यहाँ के नज़ारे दिखाएंगे। दोस्तों ये अगस्त का महीना है और देखिए मौसम कितना खुशनुमा है, बारिश ही बारिश चारों तरफ और देखिए बादल बने हुए हैं चारों तरफ। और हमारे मिस्टर राकेश सिंह से मिलिए मिस्टर राकेश सिंह कैमरा पर्सन और मिस्टर संजय सिंह रावत जो कि दिल्ली से हैं हमारे साथ यहाँ पे। हाय हाउ आर यू दोस्तों, और हम आपको आज शेयर कराएंगे हमारे डाडा नगरजा मंदिर जो कि 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है हमारे और पट्टी खंडवाल से हमें स्थित है बनी हुई दोस्तों। और मंगलम भगवान विष्णु नाग को ध्यान जात शेष नाग को ध्यान जात बैरना को ध्यान जात बैरना को ध्यान जात माता जिया को ध्यान जात धर्मी कोल को ध्यान जात मुर्द कोल को ध्यान जात सत कोल को ध्यान जात दो डिग्री नाग को ध्यान जात से मुकिम को ध्यान जात नौ भाई नागों को ध्यान जात नौ भाई नागों को ध्यान जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आपको डांडा नागर जाके मंदिर ले जाएंगे और हम वहां पहुंच गए हैं। यहां भी बहुत अच्छा सुंदर दृश्य है, मेरे पीछे देख रहे होंगे आप। अभी हम आपको सीधे डांडा नागर जाके मंदिर ले जाएंगे, तो चलते हैं आगे डांडा नागर जी के मंदिर के दर्शन करने। मंदिर के पास आप आके पूजा के लिए सामान ले सकते हैं जैसे घंटी, तेल, नारियल, धूप बत्ती और यहाँ खाने की सुविधा भी है। जय डांडा नागरजा। मोबाइल डांडा नागरजा का जाने के लिए है रास्ता, पैदल मार्ग है, बहुत अच्छा रास्ता है। यहाँ से भी सुंदर आपको दृश्य दिखते हैं, देखिए कितना अच्छा दृश्य दिख रहा है यहाँ से। बारिश की वजह से कितना हरा भरा पूरा एरिया लग रहा है। इस टाइम बरसात के टाइम में लोग बहुत कम आते हैं क्योंकि पहाड़ में टूटने का खतरा बहुत ज्यादा बना रहता है। बारिश की भी बहुत समस्या है यहाँ पे कि बारिश बहुत ज्यादा होती है। अपने उत्तराखंड में चलने का मजा ही कुछ और है। पीछे मेरे भाई लोग आ रहे हैं, हम आज यहाँ के पंडित जी से यहाँ के बारे में जानेंगे कि ये कब से डांडा नागरजा यहाँ स्थापित है और इसकी मान्यता क्या है, लोग इसे बहुत मानते हैं। और जैसे यहाँ सुना गया है कि देखा भी गया है कि यहाँ पे घंटियाँ बहुत चढ़ाई जाती हैं, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे पंडित जी से थोड़ी देर में। ये है डांडा नागरजा का मेन द्वार। मंगलम भगवान विष्णु सुट नागो को ध्यान जात शेष नाग को ध्यान जात ऐरना को ध्यान जात बैरना को ध्यान जात माता जिया को ध्यान जात धर्मी कोल को ध्यान जात उर्द कोल को ध्यान जात सत कोल को ध्यान जात दो डिग्री नाग को ध्यान जात से
मुकिम को ध्यान जाग, नौ भाई नागों को ध्यान जाग, नौ भाई नागों को ध्यान सो जाग दो जय मेरा डांडा नागरा जाहे जाग तुवे जय मेरा डांडा नाग राजा मेरा प्रभु वो तो भेले मेरा प्रभु पक्षियों को भी पाले है पक्षियों को पीपल छह निराधारियों को आधारे मेरा प्रभु जाग दो है जय मेरा डांडा नाग राजा है जाग दो है जय मेरा डांडा नाग राजा मेरा प्रभु चढ़लो तेरो सुरुच कौलो नाग सुरुच कौलो नाग होलो बर्मे कौलो नाग मेरा प्रभु घटे भेजे न मेरा दूध गिरे नागा हे दूध गिरी नाग रेंदू दूध का फुखार मेरा प्रभु तू तो भेली मेरा प्रभु त्रिलोकी नारेणा हे त्रिलोकी नारेण वेली सीम को न गेलो मेरा प्रभु तेणु बे जैना मेरा ऐरा बैरा नाग ऐरा बैरा नाग होला सूती नाग हो गए मेरा प्रभु तो भेली मेरा प्रभु नरो को नारेणा है नारायण छई देवता को जबता मेरा प्रभु जाग दो वे जय मेरा डांड नाग राजा हे जाग दो वे जय मेरा डांड नाग राजा मेरा प्रभु काल को काल छई पर्वत सुमेरे हे सो मेरे छई भक्त को प्यारो मेरा प्रभु। हाँ तो दोस्तों हम डांडा नागरजा के मंदिर के पुजारी जी के पास आए हैं, जानते हैं उनसे यहाँ की विशेषताएं। तो पंडित जी आप बताएंगे कुछ यहाँ की विशेषताएं क्या हैं? हाँ ये पौड़ी में सिद्धपीठ है। भगवान श्री कृष्ण जब उत्तराखंड में आए थे तो नाग के रूप में आए थे और इस जगह पे भगवान जी प्रकट हुए थे। कालांतर में लसेरा गांव से गाय जो है दूध देने यहाँ पे आती थी। अंदर एक शिला है और उस शिला पे अपने आप दूध छोड़ती थी, तो गाय के मालिक ने उस शिला को तोड़ा था और फिर उसका तो विस्थापन हो गया। लगभग वो जाति गुमाल जाति के थे, वो कहीं विस्थापन हो गए, चले गए वहां पे। अभी खंडर वहीं पे मौजूद है। अच्छा पंडित जी, यहाँ लोग आते हैं ज्यादातर, मैंने देखा है यहाँ पे घंटियां काफी टंगी हुई है, इसके बारे में बताइए जी। ये मान्यता है लोगों की कि जो भी जिसकी मनोकामना पूरी हो जाती है वो यहाँ पे घंटी टांगता है, घंटी चढ़ाता है। अंदर असंख्य घंटे हैं, बहुत सारे घंटे हैं और सबकी मनोकामनाएं पूरी हो रही है। भगवान जी सबकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। पंडित जी कितने साल हो गए होंगे स्थापना हुए हुए यहाँ को? ये मंदिर तो खैर आदि काल से है, भगवान श्री कृष्ण के समय से है, लेकिन ये जो आप गर्भगृह देख रहे हैं ये 150 वर्ष पुराना है। ये हमारी हमारे दादा की दादी ने इसकी स्थापना की थी, इसका जीर्णोद्धार किया था। अच्छा, तो यहाँ के जो पुरोहित आप कौन से उसके अंदर? हम देशवाल लोग हैं, हम सिलसु गांव के हैं।
सिलसुगांव के हैं जी। तो आप ही के मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी दर यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। जी जी, हमारे दादा की दादी के द्वारा ये स्थापित है, उसके बाद से हमारे ही पुरखे यहाँ पे सेवा देते आ रहे हैं, और उसके बाद हमें हमारे बाद हमारे बच्चे होंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, ये जान के बड़ी खुशी हुई। मैं चाहता हूँ आपकी बात सारी दुनिया में फैले, सारे लोग सुने इस चीज को, और यहाँ आए और हमारे श्री डांडा नागराजा जी के दर्शन करें और अपनी मनोकामना पूरी करें, जो उनके दुख हैं वो यहाँ खत्म हो। धन्यवाद पंडित जी। जग दो में जय मेरा डांडा नागराजा है, जग दो में जय मेरा डांडा नागराजा मेरा प्रभु, मेरा प्रभु पक्षियों को भी पाले है, नजारे दिखा के शाम को आपको पौड़ी पक्षियों को भी पाले छे, निराधारियों को आधारे मेरा प्रभु, जाग दो है जय मेरा डांडा नागराजा है, जाग दो है जय मेरा डांडा नागराजा मेरा प्रभु। संग मा चलो तेरो सुरज कौन नागे है, सुरज कौलो नाग होलो पर में कौलो नाग मेरा प्रभु, परगटे भेजे ना मेरा दूध गिरे नागा है, हरे मेरा प्रभु। नमस्कार उत्तराखंडी भाइयों बहनों, जैसा कि मैंने बताया था आज की यात्रा हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। हम पहुंच चुके हैं डांडा नागराजा मंदिर, यहाँ के विश्व विख्यात मंदिर जो कि इस एरिया में बहुत ही मान्यता पूर्वक माना जाता है, और जिसमें लोगों की मान्यता इस प्रकार मानी जाती है कि लोग अपनी मुरादें पूरी होने पर यहाँ पे घंटियां चढ़ाते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं पीछे मेरा डांडा नागराजा मंदिर, बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ पे लोग देखते हुए, और हम इसका मजा लेते हुए देखिए यहाँ की सुंदर वादियाँ कितनी, बहुत ही सुंदर वादियाँ चारों तरफ, कोहरा ही कोहरा दोस्तों। और मैं और मेरे दोस्त यहाँ पे बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए बड़ा बहुत ही अच्छा लोकेशन यहाँ पे हम देख सकते हैं, दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं जो डांडा नागराजा के दर्शन करने के लिए, और हम भी बहुत ही इस चीज़ से उत्सुक हैं कि लोग आए और यहाँ के दर्शन करें, अपनी मान्यता को बनाएं, उत्तराखंड उत्तराखंड की वैल्यू बनाएं, और पूरे मन से आए हर साल कम से कम 6 महीने में एक बार दोस्तों यहाँ आना चाहिए। मैं तो सभी से ये नहीं दिन करूँगा, अपने भाइयों बहन यहाँ से हमारी यात्रा कंप्लीट होती है। आगे का हमारा प्रोग्राम है फॉर पौड़ी टुडे नाइट, थैंक यू सो मच, विल टेल यू एवरीथिंग आफ्टर रीचिंग देयर, बाय।